वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप पुरानी रिले को कैसे ठीक करें और रिले कैसे काम करते हैं। स्टेबलाइजर में रिले कैसे काम करते हैं, ये इसकी ऊपर वाली पॉइंट है, ये नीची वाली पॉइंट है, ये कॉमन वाली पॉइंट है, ये इस तरह से ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती है, ऑन ऑफ। और ये ऑन ऑफ कैसे होती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ कॉइल रिवाइंड है। जब हम इस कॉइल को बिजली देते हैं DC वोल्ट, तो इसमें मैग्नेट बनता है और रिले ऐसे नीचे बैठ जाती है। आप ज़रा मुलाहिजा करें, 12 वोल्ट एडाप्टर से मैंने वोल्ट दिया है। आप इसकी सफाई का तरीका, आप रिले के इस लॉक से रिले को बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद ये पेंट खराब हो गई है, इसे अच्छी तरह साफ कर लें। इस तरफ को ताकि पेंट में चमक आ जाए। इस तरह से ये रिले की पेंट है, मैं इसे इस तरह करता हूँ, इस ये रिले के पेंट साफ हुए। फिर मैं दोबारा इसे स्प्रिंग में डालता हूँ और पहले इस पेंट को अंदर करता हूँ और बाद में लॉक में बैठाता हूँ। ये रिले मेरी रेडी हुई। इस तरह से आप अपने स्टेबलाइजर की रिले को साफ कर सकते हैं, तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसे चेक करता हूँ मैग्नेट को। रिले बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है और इसके पेंट भी साफ हो चुके हैं। काइंडली, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।